सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडे नाल परविंदर सिंह, तुसी वेख रहे हो पंजाबीयत टीवी। अज असी मौजूद हाँ सुनाम शहर शहीद उधम सिंह जी की जन्मभूमि, जिथे कि इस धरती दे उत्ते बाबा भाई मूल चंद साहब जी भी होए ने। अज असी उन्हां दी समाधि उत्ते आए हाँ। अज असी बाबा भाई मूल चंद साहब जी की समाधि हाँ, तो बाबा जी के जीवन बारे उन्हां दे परिवार कोलों पुछांगे जी। बाबा जी के जीवन दे गथा, बाबा जी के परिवार विच्चों मोहन शरूप जोशी जी, बाबा जी दे जीवन बारे असी उन्हां कोलों विचार वटांदरा करांगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जदों मतलब गुरु गोबिंद सिंह तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी हमला करते हुए सुनाम वाल रुख किया, तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के बचन हुए थे भी उत्थे साडा सेवक रहिंदा बाबा भाई मूल चंद साहब। उस शहर च तो बढ़ने ही नहीं ना, वो शहर वाल मुख करना है। इस करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इत्थे मत्था टेक के ते वापस चले गए। अच्छे बाबा जी ने एक बारी माता डोगरी हुई सी, वह बाबा पीर बना मनोई जी की सेवादार सी, तो उन्होंने बाबा पीर बना मनोई जी ने अरदास की, बाबा मेरे औलाद नहीं है, मैनू एक औलाद की बख्शिश करो। तो उसने कहा बीबी तेरे कर्म च तो औलाद है ही नहीं, मैं कितों देव औलाद। तो उसने भी तू भगती कर बस। उसने देखा भी जदों बाबा जी लंघते होंगे सी तो पीर बाबा जी खड़े हो जाते सन। उसने सोचा भी ये ताकत बारे बाबा भाई मूल चंद साहब होने शायद भी मैं उन्होंने लवे अरदास करा, तो बाबा जी लवे आके सेवा कर लग गई। तो उसने कहा तो भी बाबा जी मेरे औलाद नहीं होंगी, कोई बच्चा बख्शो। तो बाबा जी कहते भी तू वो भी बच्चा दे सकते ने उन्होंने लवे जा। वह कहते मैं बथेरिया अरदासा कर लिया पर उन्होंने मेरी कहते भी कर्मा च नहीं, कहते जा बेटे एक बच्चा होजूगा, एक मुंडा हो। तो पीर बना लो जाके उन्होंने कहा भी बाबा जी ने मैंने बच्चे का वर दिता। वो कहना बीबी उन्होंने सूँ ऊँ अहो किया तुसी नहीं तेरे कर्मा च। तो पीर बना मनोई जी बाबा जी दे कोल आ गए, तो नाल पीर बाबा बना मनोई जी आ गए, तो उन्होंने कहा भी बाबा जी ये कर्म च है नहीं। वो कहते दो होंगे, ए करते करते सत्त बच्चों का वरदान दिता बाबा जी ने। तो पीर बाबा पुछण लगे भी जब ये कर्मा च सत्त किवें होणगे। उसने कहा बाबा जी जे कर्मा च होंदे फिर तो हो ही जाने, थे ये तो अपनी भगती चो भी आपां मनोकामना पूरी कर सकते हैं। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परम जगदीश्वर, तुम सबके
देखण जाता है कोई शौक होंगे देखण का ये बागबीची बाबे की उस जो भी जाता है कोई जानवर ने हाल तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया ना ही नुकसान पहुँचावे ये बाबे की कृपा ही है। जिवें सप्प जां कोई होर तरह तरह खतरनाक भी जानवर रहिंदे ने पर हाल तक किसी भी सेवादार भी जाते हैं झिड़ी नूं साफ करन वास्ते पर किसी का हाल तक कोई नुकसान नहीं किया ना ही बाबा नुकसान हो दे। तरह तरह के जानवर आरती वेले तरह तरह की चिड़िया चहचकाउंदिया ने वातावरण ने वधिया बन जाता है। एक बारी गुरु अर्जन देव जी जो हरिमंदर साहब की नीर का कम हरिमंदर साहब की खुदाई का कम चला रहे थे तो उत्थे जिहड़ी संगतां लई रसद मस्त हो गई थी बाबा गंगा राम जी बठिंडे के व्यापारी सन तो उन्होंने सोचा भी आपां उत्थे जाके लंगर च ये अनाज पा देंगे तो वह अनाज लैके 500 मन बाजरा लैके उत्थे चले गए। गुरुआं जी ने हुक्म अपनी सेवकां नूं कहा भी इत्थे एक ब्राह्मण व्यापारी आए ने उन्हां तो आपां सारा रसद लै लीए तो जदों विसाखी ते संगत इकट्ठी होके माया इकट्ठी हो तो उहदा हिसाब कर देवांगे। तो बाबा गंगा राम जी लवे गए तो बाबा गंगा राम जी ने सारा आपदा धन गुरु की भेट कर दिता तो उस तो बाद गुरु जी ने सोचा भी मैं क्यों ना उत्थे उन्होंने प्रवचन सुना तो उत्थी सेवा च लग जावां तो वह उत्थी हरिमंदर साहब नीह उस सेवा च लग गए तो प्रवचन सुनया कर गुरु अर्जन देव जी के ते उस तो बाद उन्होंने यह जी लगन लगी वे दिन रात सेवा च ही लगे रहे। विसाखी वाले दिन जदों गुरु महाराज जी ने उन्होंने बुलाया भी उन्होंने हिसाब करिए गुरु महाराज जी ने पेश होकर कहते भी मेरा हिसाब हो चुका है वो कहते नहीं भी असं ब्राह्मण का नहीं खाना तू आपका जिहड़ा कुछ थोड़ा इहदा बनता हिसाब किताब वो दसो तो उसने कहा नहीं जी मैं ये तो गल भुले जाओ मैनू उदू ज़्यादा मिल चुका है। तो उन्होंने भज के जफ्फी च लै ले अपने नाल बिठा के भाई साहब का खिताब दिता तो उस तो उन्होंने गल पकड़ ली भी जब मैनू भाईए बना लिया फिर अपना तो हिसाब हो ही चुकया उत्थे गुरु जी चुप कर गए तो उन्होंने आपदे नाल बिठा के तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण हुण तू जाके दुनिया का कल्याण कर तो उदू बाद अध्यात्मक कम्मां च ते रूहानियत रस्ते चल पे उसके बचना नाल श्री बाबा भाई मूलचंद साहिब जी पैदा होए तो उन्होंने माँ प्यो कहा भी ये बालक है बड़े करनी वाला होगा जन्म तो ये बोधी होगी बोलूगा तो तुसी इनू बस मेरे सपुरद करना है। उस तो बाद कम भगती के कम्मा च पै गए गुरु बाबा भाई मूलचंद साहिब जी लोगों के कल्याण कर लग गए तो कई इन्हां दीआं करामातां ने जो मैं करमाता ने जो मैं हुण शॉर्टकट च सुना रहा तो एक बारी बीबी तो एक नाल दी समाध बीबी नंद कसूरी की है तो बाबा गंगा राम जी कहिंदे भी ये बीबी के बचना नूं नहीं मोड़ना ते तो नंबर दो ते जिहड़ी मेरी औलाद है असीं बाबा भाई मूलचंद साहिब दी औलाद हाँ जिहड़ा पिंड भाई की बसौर बसिया साडा भाई का इन्हां दे नौती बसिया तो बाबा जी ने साज ली मोड़ी गड्डी क्योंकि पिंड जदों भी बसदा ती उजड़ जांदा ती तो इन्हां ने उस बाबा भाई मूलचंद साहिब ने अपनी मोड़ी गड्ड के वो पिंड नूं वसाया तो जिहड़े असीं उदू बाद बीबी नंद कसूरी ने गंगा जाण की इच्छा प्रगट की
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਉਰੀ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਰੇ ਉਰੀ ਗੰਗਾ ਮਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੈਂਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਿਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਹਨੇ ਲੰਘਦੇ ਤੁੰਗਾ ਕੁਲਾਰਾਂ ਲਵੇ ਤੁੰਗਾ ਲਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਗਈ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਨੌ ਵਾਰ ਨੌ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੋ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਵੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਗਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਮੋਰ, ਪੰਛੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝਿੜੀ 'ਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਪਸੌਰ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ।